आज मैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेसिक कंसेप्ट ईच एम आर पर बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि ईच एम आर का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करें। यूज ऑफ इज एंड आर, यानी इसका अर्थ होता है इज एम आर का प्रयोग। ध्यान दीजिए, मैं इसके ठीक पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इज एम आर टू बी का ही एक फॉर्म होता है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी तथ्य को यानी किसी फैक्ट को बताने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी चीज यदि फैक्ट है कि वो है तभी इसका जिक्र किया जाता है। जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, तो यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। इसी तरह कोई भी चीज यदि फैक्ट है कि वो है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी ऐसी कंसेप्ट और कंडीशन को आज हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें पहला कंडीशन है कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इज एक सिंगुलर फॉर्म है, एक सिंगुलर रूप है यानी सिंगुलर भाव है जिसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसी तरह एंड भी एक सिंगुलर ही फॉर्म है यानी सिंगुलर भाव का फॉर्म है यानी सिंगुलर भाव है। इनका प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। इसी तरह आर एक प्लुरल फॉर्म है यानी एक प्लुरल वर्ब है। इसका प्रयोग हम हमेशा किसी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं जैसे दे, वी, यू एक्सेट्रा। दूसरा इसका कंडीशन है कि जब भी हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो हमें काफ़ी कंडीशंस की सामना करना पड़ता है, यानी ये कई अर्थों में इनका प्रयोग होता है। जैसे जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या है दिया हो तो उन कंडीशन में हम इच ए मार का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वह है सुंदर है, यानी कि यहां होगा सी इज ब्यूटीफुल। दूसरा इसका कंडीशन है यानी तीसरा कंडीशन है कि इसका प्रयोग जब किसी वाक्य के अंत में होता है, होता है, होती है या होते हैं दिया हो तो ऐसे कंडीशन में भी इज एम आर का ही प्रयोग किया जाता है। यहां भी इज एम आर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध उजला होता है, इसका होगा
मिल्क इज वाइट, इसी तरह और भी इनके कंडीशंस हैं, ध्यान दीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लें। इसमें चौथा कंडीशन है कि यदि वाक्य के अंत में रहता है, रहती है, रहते, रहते हैं दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ईजे मार का ही प्रयोग होता है। जैसे अंधेरी रातें भयावह रहती है, या यदि बात करें थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए और एक दूसरे एग्जाम्पल तो ले लें, शराब पीने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ देखेंगे तो रहता है, तो यहाँ पर रहना का मीनिंग हम लीव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट चीज़ों को बता रहा है। यहाँ भी अंधेरी रातें भयावह रहती है या होती है कहें तो ये फैक्ट चीज़ को बताया जा रहा है कि एकदम बिल्कुल है, निश्चित है कि वो भयावह होती है या रहती है, या ये भी स्वास्थ्य यदि आप शराब पियेंगे तो निश्चित है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फैक्ट से संबंध है, इस वजह से यहाँ लिव किसी एक्शन को नहीं बता रहा है, यहाँ केवल आपको बताया जा रहा है, यानी एक अवस्था के रूप में, एक स्थिति के रूप में बताया जा रहा है। इसलिए अवस्था स्थिति को बताने के लिए इस एम आर का प्रयोग किया जाता है। यदि वो प्रेजेंट में होता तो जैसे यदि पहला सेंटेंस को बनाएं, अंधेरी रातें भयावह रहती है, तो यहाँ होगा सब्जेक्ट हमारा होगा अंधेरी रातें, द डार्क नाइट्स आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, आर भयावह फियर फुल, यानी भयावह या डरावनी रहती है या होती है। नेक्स्ट है शराब पीने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट होगा लोगों का स्वास्थ्य। मैं पहले या नेक्स्ट वीडियो में इसके जिक्र करूँगा कि किस परिस्थिति में सब्जेक्ट को पहचाना जाता है और सब्जेक्ट किस किन परिस्थितियों में होता है, तो हम उसे जान लेंगे कि वो सब्जेक्ट है। तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो द हेल्थ ऑफ मैन, यहाँ पीपल भी कह सकते हैं या मैन भी कह सकते हैं, मैन इस का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन के पहले वाला होता है, न कि ये प्लुरल मेन होगा। तो द हेल्थ ऑफ मैन इज नॉट
गुड बाय ड्रिंकिंग वाइन। किसी भी स्क्रीन शॉट ले लें, नेक्स्ट और ये सिक्स नंबर होगा कंडीशन कि यह किसी वाक्य के अंत में लगता है लगा रहता है या लगती है या लगते हैं या और भी कंडीशंस हैं। मैं सभी कंडीशन को और भी एक प्लेस पर एक्सप्रेस कर रहा हूं। यदि यहां दे दे लगा लगा करता है तो भी सेम वही बात कह रहा है, लगा करती है तो भी वही सेम बात कह रहा है और लगा करते हैं ये भी वही सेम बात कह रहा है को बिंदु हो जाए। जैसे दूध है, दूध है या चीनी को ले तो और अच्छा होगा। चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी लगा करती है तो यहाँ होगा शुगर, शुगर यहाँ की शुगर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि शुगर ही नहीं कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, खास तौर में होता है। मैं इसका जिक्र आर्टिकल के चैप्टर में करूँगा। तो शुगर इज स्वीट, इसी तरह है और भी इनके कंडीशंस हैं। नेक्स्ट इसका कंडीशन है कि यहां रहता है के अलावा वहां ये भी मिल सकता है कि रहा करता है, रहा करती है, रहा करते हैं, वहां भी ईच एम आर का ही प्रयोग होता है। इसका नेक्स्ट भी यदि बात करें कंडीशन तो यहां हो सकता है हुआ करता है, यानी होता है के अलावा यहां हुआ करता है, हुआ करती है, हुआ करते हुआ करते हैं, वहां भी ईजीएमआर का ही प्रयोग होता है। यानी ये ईजीएमआर का प्रयोग करने का वजह ये होगा कि जब भी हम लोग इसके कोई फैक्ट की बात को बता रहे हैं तो उस समय इनका प्रयोग करेंगे, यानी केवल बताने के लिए किया जाता है। यदि हम किसी कार्य को करने के सेंस में इनको प्रयोग करें तो वैसे स्थिति में ये वर्ब की तरह प्रयोग होने लगेंगे, यानी ये करना का सेंस
डू का फॉर्म बनाने लगा, वहां पर रहना का सेंस लिव से बनने लगेगा। तो इस तरह से हमें कंडीशन मिलता है और ये कंडीशन शायद आपको इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश करते समय परेशान कर सकता है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।